गली में मुखिया के भाई की हत्या, इलाके में दहशत, घटना का कारण चुनावी रंजिश, आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। सीतामढ़ी पुपरी थाना क्षेत्र में मुखिया के भाई की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आमापुर पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया जकी अमीन के भाई को चाकू गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया है। पूर्व में चुनावी रंजिश को लेकर जकी अमीन की लात घूसों से जमकर पिटाई की गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसके बाद भी जनता ने जकी अमीन को जिताया। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस घटना स्थल पर कैंप कर रही है। डीएसपी मुख्यालय समेत कई पुलिस पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। घटना का कारण चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। घटना में मुखिया के भाई मोहम्मद नसरुल्ला की मौत हो गई। गाड़ी को रवल कर दिया, घर आके बेइज्जत कर दिया। फिर उसके बाद आज सुबह जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किया। कभी हमारे चाचा को मारने जाता है, कभी हमको मारने जाता है। तो इस बीच में हमारा भाई पकड़ा गया अकेले, उसको चाकू मार दिया। क्या भाई का नाम क्या है? मोहम्मद नसरुल्ला। चाकू उसको मार दिया? मार दिया। कौन मारा चाकू? उसको चाकू जो मारा है तालिब मोहम्मद तैयब का बेटा। अच्छा। उसके बाप का नाम है मोहम्मद तैयब और उसका नाम है तालिब, उसने मारा। और उसको मारने के पश्चात कई आदमी उस जगह मौजूद था और जो मारने में पूरी तरह लिप्त था। अब उसमें जो है अब्दुल्ला पूर्व सरपंच मार रहा है उसको, मोहम्मद नसरुल्ला जो मृत्यु थे उसको मार रहा है, और शमीम मार रहा है उसको, जिसके बाप का नाम सफी अहमद है, और क्या कहते हैं साजिद का बेटा वाजिद भी उसको मार रहा है। तालिब तो पहले चाकू ही फेल दिया, उसके बाद जो है सब अपना प्रहार करना चालू कर दिया। चाकू जिसको लगा वो मर, उसकी मौत हो गई? उसकी मौत हो गई। और ऐसा हरवा हथियार से उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था कि सर महिलाएं वहां की भयभीत हो गई और घबरा गई और रोना उस वक्त से चालू। वो और घायल है। कौन कौन है? जियाउल्लाह पिता मोहम्मद बदरुल हसन जी, और मुआसिर पिता जियाउल्लाह जो तकरीबन 55-50 से ज़्यादा उम्र है जियाउल्लाह की, और तकरीबन 17 या 14-15 के एज में जो है मुआसिर है। पुलिस अब तक क्या की है इसमें? पुलिस अभी तक कुछ नहीं किया। आरोपी कह रहा है कि अगर सूचना मिलती है थाने को तो थाना हमको सूचना देती है कि हम आ रहे हैं, तुम लोग साइड हो जाओ, हमारा क्या कर लेगा, मारो जिसको मारना। बात कर रहा था कि इसकी बचाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए कौन आता है देखते हैं। और तकरीबन 100 से 200 मीटर दूरी पर है, वहाँ भी फिर गया, फिर उस महिला के परिवार को मारपीट किया। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।